नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक एपिसोड में, जहां पर आज मैं लेके आया हूं वंस अगेन एक और वीडियो ऑन पपी प्ले टाइम यूनिवर्स। जी हां, आज यहां पर हम बात करने वाले हैं टॉप रिजेक्टेड टॉयज के बारे में, क्योंकि क्या पता कि वो आने वाले टाइम में आने वाले पार्ट में एक मेन पार्ट प्ले करने वाले हो, या फिर क्या पता कि आने वाले पार्ट में चैप्टर 4 में वो हमें देखने को भी मिल जाए एज द मेन एंटागोनिस्ट। आइए बात करते हैं डिटेल में। सो आपका लाइक चाहे सब करके आगे बढ़े में तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो नाउ सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट हैव अ लुक। ऑलराइट, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रिजेक्टेड टॉयज के बारे में। जी हाँ, मुझे पता है बहुत सारे टॉयज ऐसे जो कि रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन जो रिजेक्ट होने के बाद भी जो टॉय बहुत फेमस है, आज हम उन पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर पूप्स अलॉट। जी हाँ, आपको पता है ये टॉय हमने बहुत बार देखा है, इसका नाम हमने बहुत बार सुना है, यहाँ तक चैप्टर 3 में से बहुत बार दिखाया भी है, कई जगह भी दिखाया है। सो असल में इस टॉय की बैक स्टोरी क्या है, ये क्यों ये टॉय रिजेक्ट किया गया है बाय द प्ले टाइम कंपनी। सो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये सर पूप्स अलॉट है, और जो भी इसका काम है वो असल में यही है। जी हाँ, इसका काम पूप्स यही करने का है इसका काम, और वहां पे लिखा हुआ है ट्राई मी, तो यानी कि कोई भी चिल्ड्रंस को इस टॉयस में खास दिलचस्पी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इसमें कुछ नया नहीं है, जो काम हर शख्स करता है असल में ये वही तो कर रहा है। और अरुण की क्यों इस टॉय को बनाया गया है, ये इतना वाहियात था कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा गया है कि हूएवर्स आइडिया दिस वॉज शुड फील अ सेम, यानी जिसका भी ये आइडिया होगा वो असल में शर्म आनी चाहिए उसको। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो उसका बॉक्स है वहां पर हम देख पा रहे हैं एक पर्पल टाइल है जो कि बहुत डर्टी है दिखने में, बहुत गंदी हो रखी है, और असल में जो ये टॉय है वो भी कुछ खास पसंद नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा, तो फिर बच्चों को क्या आएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो उसका हैंडल है, जैसे हम उसे पुश करते हैं तो ये फ्लश करता है। बॉक्स के बैक साइड में लिखा गया है कुछ 3 पॉइंट्स, कुछ 3 जोक्स, या फिर आप जो भी कहो, जब लिखा हुआ है नो वन टेल्स जोक लाइक अ सर, व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू गो टू द बाथरूम, 2:30। I like toilets for 2 reasons. Number 1 or number 2. ये ठीक था। Why did the toy seats cry? Because she got dumb. तो ये जोक्स के ऊपर ही बनाया गया है, और जहां तक बात करें इसकी दिखने की, इसकी जो विजुअल वाइज है, तो ये कहीं से भी किसी भी चिल्ड्रंस को डरावना नहीं लगेगा। सो यही एक रीजन था कि जो इस टॉय को एकदम रिजेक्ट कर दिया, और जो भी सर पूप्स लॉट का आइडिया लेके आया था उसे भी असल में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट है सभी की फैन फेवरेट डेजी। डेजी को असल में हम बहुत बार देख चुके हैं, और यूं कहूं कि प्रॉपर तरीके से ये गेम में डाला गया था, जहां पर हम देख पाते हैं चैप्टर 2 की जो गेम प्ले ट्रेलर आया था वहां पर हम देख पाते हैं कि असल में डेजी मेमोरी गेम का एक बहुत बड़ा पार्ट थी, जहां पर उसे हटा दिया गया और जगह दी गई बुंजो बनी को। लेकिन उसके बाद भी हमें बहुत सारे जगह पर डेजी के कार्डबोर्ड देखने को मिलते हैं, जहां पर बहुत सारी स्पीचेस लिखी गई होती हैं, और यहां पर हम देख पाते हैं जो डेजी है वो असल में दिखने में बहुत ज्यादा प्यारी है। आप ये देखो कि जो उसकी आंखें हैं वो असल में एकदम रियल दिखती है। डेजी एक वाइट फ्लावर है विद अ हैप्पी फेस, हैप्पी येलो फेस, और जहां पर हम देख पाते हैं जो उसकी बॉडी है वो असल में मेरे ख्याल से प्लास्टिक से बनी है। गौर करने वाली बात यह है जो उसकी आंखें हैं, जी हाँ, ये आईज कई हद तक पॉपी प्ले टाइम से मिलती है, और वैसे ही ना रहे दैट्स व्हाई इसकी आईज को ग्रे किया गया, क्योंकि ब्लू आईज असल में पॉपी प्ले टाइम की थी। अब इस टॉय के बारे में सब कुछ ठीक है, तो इस टॉय को रिजेक्ट क्यों किया गया? सबसे पहले जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगेगी, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है चिल्ड्रंस की। सो यहाँ पर जब इसका टेस्ट हुआ था तो असल में चिल्ड्रंस को ये जो टॉयज है वो बहुत स्केरी लगा था, बहुत डरावना लगा था, जिसकी वजह से वहां पर जो चिल्ड्रंस है उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। जी हाँ, उसे देखकर उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। दैट्स व्हाई यही एक बिग रीजन है जिसकी वजह से जो ये टॉयज है उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद हमें कई जगह पर इसके पोस्टर्स या फिर इसके बारे में कुछ डिटेल्स, कार्डबोर्ड, ये सब हमें फैक्ट्री में देखने को मिलती रहती, जहां पे लिखा होता है स्टे एनर्जाइज्ड। बहुत लोगों का मानना ये भी है कि क्या पता डेजी चैप्टर 4 में हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है जो कि हमें बहुत जगह दिखाया गया है, इनफैक्ट हमें ट्रेलर में भी उसका ग्लिम्स दिया गया है, जो कि है सनी बडी। जी हाँ, ये एक सेम टू सेम टॉयज है, जस्ट लुक लाइक डेजी। प्ले टाइम को हमें सनी बडी का हमें ब्लूप्रिंट भी देखने को मिलता है, जहां पे लिखा गया है उसके बारे में बताया गया है, जो कि कई हद तक डेजी से मैच करता है, लेकिन असल में ये एक पॉट में रहता है। जी हाँ, हम देख पाते हैं डेजी के पास अपने 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, लेकिन असल में जो सनी बडी है वो एक पॉट में रहता है, और जो उसकी बॉडी है वो बनी है फैब्रिक से, लेकिन जो रॉड है वो असल में एक मेटल रॉड है। जी हाँ, एक बेंडेबल मेटल रॉड है। यहाँ तक कि डेवलपर्स का प्लान था कि चैप्टर 2 में असल में डिजी ना आके ये आता, सनी बडी हमें देखने को मिलता। दैट्स व्हाई हमें चैप्टर 2 का जो ऑफिशियल ट्रेलर निकल गया है उसमें भी हमें ये टॉय दिखाया गया है। सनी बडी के बारे में हम ये भी जान पाते हैं कि असल में जो मिनी गेम्स हमने फेस करे थे इन चैप्टर 2, वहां पर असल में सनी बडी एक टॉय देखने को मिलता एज द सेकंड एंटागोनिस्ट, लेकिन एंड टाइम पे आगे इस प्लान को चेंज कर दिया गया और सनी बडी को बनाया गया डेजी। जी हाँ, ये टॉय पहले डेजी की जगह पर रखा गया था, लेकिन बाद में डेजी को एक अलग ही टॉय बना के पेश किया गया।
जहां तक बात करें सनी बदी की, तो असल में ये टॉय अनफॉर्चुनेटली रिलीज ही नहीं किया गया। नेक्स्ट है बैरल हगी। जी हाँ, आपने ये देखा होगा चैप्टर 2 के रिजेक्टेड रूम में, जहां पर हम देख पाते हैं एक बैरल है फुल ऑफ हगी वगी, जहां पर हम बहुत सारे मिनी हगीज को देख पाते हैं जो कि एक चेन बनाते हैं आपस में, जहां पर हम देख पाते हैं कि हगी है। तो जब भी इस बैरल को हम खोलते हैं तो वहां पर बहुत सारे मिनी हगीज हमें इलास्टिक रबर फॉर्म में दिखाए जाते हैं, जो कि असल में कहीं ना कहीं एक चेन तैयार करते हैं वन बाय वन हगी वगी। लेकिन असल में ये एंड टाइम पे रिजेक्ट कर दिया गया। रीजन था कि जो बच्चे हैं वो इसे कैंडी समझ के खा ले रहे हैं। जी हाँ, असल में ये कैंडी नहीं है, ये एक तरह का टॉय था जो कि इलास्टिक और रबर से बना था, लेकिन असल में जो बच्चे हैं वो असल में इसे खा ले रहे थे कैंडी समझ के। दैट्स व्हाई इस टॉय को रिजेक्ट कर दिया गया। और आप खुद देखो, ये दिखने में एक्चुअली कैंडीज ही लग रहे हैं। वहीं पर हमें उसी रूम में एक नोट मिलता है रिगार्डिंग मम्मी लॉन्ग लेग्स कंसेप्ट वर्जन। यहाँ पर हम देख पाते हैं दो वर्जन है जो कि असल में एक रिजेक्टेड वर्जन है। रीजन दिया गया है कि जो मेन डिजाइन है उसे सिंपलर बॉडी होना चाहिए और कलर पैलेट है वो भी थोड़ा सिंपल होना चाहिए, क्योंकि हम देख पाते हैं इन दो वर्जन में कई सारे ढेर सारे जो वाइब्रेंट कलर्स का यूज किया गया है, लाइक ब्लू, पर्पल, ग्रीन, येलो, रेड, पिंक, जो भी है, सभी कुछ को मिला के इन दोनों वर्जन को रिजेक्ट किया गया है। और जो मेन वर्जन जो कि अब हम देखते हैं वहां पर सिर्फ पिंक कलर ही यूज किया गया है, सिर्फ एक सिंपल कलर यूज किया गया है। सो ये थे वो टॉयज जो कि असल में प्रॉपर तरीके से रिजेक्टेड रूम में हम देख पाते हैं। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा एक नोट के बारे में जो कि हमें वहीं से मिलता है, जहां पे लिखा हुआ है शिपमेंट 018345, रीजन है एंटायर बैच ऑफ टॉयज इज मिसकलर्ड ड्यू टू पैटी हॉल सबोटेजिंग द पेंटिंग मशीन। अब सो यहाँ पर आप शायद आपको याद होगा कि पैटी हॉल कौन है। बहुत टाइम पहले हमें एक नोट मिला था अबाउट नोटिस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, जहां पर हम देख पाते हैं नाम आता है पैटी हॉल का और उसे उसकी पोस्ट से डिमोटेड करके स्टोरेज बी में भेज दिया जाता है। अब उसने ऐसा क्यों किया वो तो हम नहीं जानते, लेकिन पैटी हॉल ने जानबूझ के जो पेंट कैनिस्टर को मिसमैच कर दिया था और जो पेंट मशीन थी उसे खराब करने की कोशिश करी थी, लेकिन हम नहीं जानते कि असल में इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। सबको पता है कि जो वहाँ के जो एम्प्लॉय है उन पे हमेशा एक बर्डन था फ्रॉम द हायर अप्स, और मेरे ख्याल से ये इसने जानबूझ के किया होगा या फिर एक तरह का रिवेंज लेने के लिए किया होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज की हालत बहुत खराब थी इस फैक्ट्री में और लॉस वुड भी कम हो रहे थे। सो हो ना हो पैटी हॉल ने ये जानबूझ के किया होगा, और जो भी उसने काम किया था उसके वजह से बहुत सारे टॉयज इसी रूम में है जो कि असल में डिफरेंट कलर पैलेट की वजह से रिजेक्ट हो गए थे। ऑल राइट, तो ये थी वीडियो अबाउट रिजेक्टेड टॉयज ऑफ पॉपी प्ले टाइम। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है कौन सा कैरेक्टर इनमें से हमें चैप्टर 4 में देखने को मिल सकता है, या फिर आप किस कैरेक्टर को देखना चाहोगे इन द अपकमिंग चैप्टर 4। बाकी जल्दी मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, लेकिन आई होप सो कि आपने यहाँ तक वीडियो अच्छे से देख ली हो। जाने से पहले हमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो पे लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब, ये तो बनता है बॉस। चल दैन, मैं भी जल्दी मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखें, मजे करें, खुश रहें और देखते रहें। धन्यवाद।